जैन साथियों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी नहीं चल रही है तो अभी से शुरू कर दें। आपके लिए एक नई भर्ती और आई है जिसे आप जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के नाम से, और ये आपकी भर्ती शुरू हो गई है। आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा, जैसे कि आपकी एज क्या मांगी है, योग्यता क्या मांगी है, एग्जाम कब होगा और फॉर्म शुरू कब से हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी इसमें पोस्ट की। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट रहेंगी आपकी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे पहले बात कर लें आपकी एज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि तैयारी करना बंद करते हैं और फिर उसके बाद भी आईटीआई कर रखी है या फिर कोई अदर डिप्लोमा कर रखा है और वो सरकारी जॉब चाहते हैं, तो इस भर्ती को देख सकते हैं क्योंकि इसमें सभी के लिए वैकेंसी हैं। जैसे कि आपकी बात करें एज की, एज इसमें आपकी 18 से लेकर 40 साल चलती है, और अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। इसमें देखें वैकेंसी की बात, तो इसमें आपकी टाइपिंग जिनको आती है वो भी, और बिना टाइपिंग वाले भी, स्टेनो भी, और इसमें योग्यता देखें तो आपकी CCC भी चल जाती है और 10th पास भी चल जाती है। इसमें आपकी 6th पास जिनकी योग्यता है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो ड्राइवर बनना चाहते हैं ड्राइवर की भी वैकेंसियाँ इसके अंदर हैं, जो कि आपकी की जो ग्रुप डी के अंतर्गत आती हैं, और ग्रुप डी में आप 10th पास वाले भी अभ्यर्थी भर सकते हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं इसकी बात करते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 4 अक्टूबर से, जो कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 24 अक्टूबर 2024। तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, जो भी 10th पास हैं वो ग्रुप डी में अप्लाई करें, बाकी का अपना ट्रेड के हिसाब से करें। बाकी का मैं आपको नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम की भी बात करूँ, एग्ज़ाम भी इसकी जल्दी होना है, और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी सबसे जल्दी होनी है, क्योंकि 3 से 4 महीने में इस भर्ती को पूरा करा के देना है। कई बार इसके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं जिसमें आपको बताया था कि 3 से 4 महीने में इसके एग्ज़ाम कराकर और सिलेक्शन कराने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी ग्रुप डी की, क्योंकि ग्रुप डी के फॉर्म सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं और सबसे कम योग्यता मांगी जाती है। तो इसके लिए देखें आपकी ग्रुप डी की फ़ीस की। सबसे पहले फ़ीस देखते हैं, जनरल और OBC के लिए 800 रुपये मांगा गया है, और EWS के लिए 700 रुपये, और SC ST के लिए 600 रुपये। और अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल और OBC में काउंट किए जाते हैं, जिनके लिए फ़ीस रहेगी 800 रुपये। और ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें तो आपकी 1639 पोस्ट रहने वाली हैं, और इसके एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसलिए सभी एग्ज़ाम देने जरूर जाएं। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपको 10th पास भी मिलते हैं, ITI हो तब भी भर सकते हैं, और 6th पास वालों के लिए भी एलिजिबिलिटी है इसमें। इसकी सैलरी की बात करें तो 27,000 से लेकर 28,000 सैलरी इसकी मिलती है आपको, और उसमें अलाउंस अलग मिलते हैं, वो अलग चीज़ है। और आपकी जो एज है इसमें 18 से लेकर 40 साल के इसमें भी भर सकते हैं, और SC ST के लिए 5 साल की छूट भी है, तो उनके लिए हो जाती है 18 से लेकर 45 साल। इसमें पेपर आपके 2 रहने वाले हैं साथियों, बाकी के जो एग्ज़ाम हैं स्टेनो वगैरह उनमें क्या है, आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, जैसे स्टेनो टाइपिंग वगैरह, तो इसमें आपका नहीं है। ग्रुप डी में इसमें आपके 2 पेपर होंगे, दोनों का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है। उसका मकसद ये रहता है कि पहले एग्ज़ाम में मान लीजिए कि 8 से 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, उसमें से जितनी वैकेंसियाँ रहेंगी उसके 5 गुने बच्चे लेकर अगला जो स्टेज 2nd का पेपर है वो कराया जाएगा, और उसमें से टॉप लिस्टेड बच्चों को छांट लिया जाता है। क्योंकि शुरू के बच्चों को सभी को एग्ज़ाम कराना या फिर उनमें से मेरिट के लिए छटनी करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एग्ज़ाम 2 कराए जाते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ आती है। इसमें आपके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन हो गए आपके 100 ही नंबर का पेपर होता है आपका, और इस पेपर को करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसके पेपर में दोनों ही पेपरों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दोनों ही पेपरों के नंबर इसमें जुड़ते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट पेपर में भी अच्छे नंबर लाने हैं, 2nd में भी लाने हैं, तभी आप मेरिट क्वालिफाई कर पाएंगे। आपकी मेरिट जो है टोटल 200 नंबर में से बनेगी, जिसमें से 200 में से जिसके सबसे अधिक नंबर होंगे वो पास हो जाएगा और उसकी जॉब लग जाएगी। क्योंकि आपके ग्रुप डी में कोई भी फिजिकल टेस्ट है नहीं, ट्रेड टेस्ट है नहीं, सीधे एग्जाम पास करो और जॉब करो। इसमें
जॉब करने का अपना ही डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके कोर्ट होते हैं उसकी वैकेंसियां हैं जो कि आपके न्यायालय के नाम से मिलती हैं, आपको हर ज़िले में होती हैं, दीवानी कहते हैं, दीवानी कचहरी, उनमें आपकी ये वैकेंसियाँ हैं। यहाँ तक हो गई ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं ग्रुप सी की बात। तो इसमें आपकी 1054 पोस्ट हैं और सैलरी की बात करें आपकी सैलरी 30,000 से 35,000 सैलरी होती है। क्वालिफिकेशन इसमें आपको ट्रिपल सी और टाइपिंग देखने को मिलेगी। टाइपिंग में आपके 30 वर्ड पर मिनट हों इंग्लिश के और 25 वर्ड पर मिनट होंगे आपके हिंदी में। इसमें आपका टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, केवल टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है। बाकी के जो स्टेनो होता है उसमें आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, इसलिए ये बताया गया है। अब बात कर लें स्टेनो की, क्योंकि स्टेनो की भी काफ़ी वैकेंसियां हैं। और इसकी स्टेनो की एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल के 950 रुपये और EWS के 850 रुपये और SC ST के आपके 750 रुपये रहेंगे। और जो अदर स्टेट वाले बनना चाहेंगे वो जनरल में काउंट होते हैं, जिनकी फ़ीस देखें तो 950 रुपये ही रहने वाली है। स्टेनो की बात पोस्ट की बात करें तो 583 पोस्ट हैं और इसमें सैलरी देखें तो सबसे अच्छी सैलरी है इसकी, 50,000 से लेकर 55,000 सैलरी बनती है आपकी। इसमें आपकी हिंदी टाइपिंग के अलग रहते हैं और अंग्रेजी टाइपिंग के अलग रहते हैं। और इसमें स्टेनो सर्टिफिकेट मांगा जाता है और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। इसके एग्ज़ाम की बात करें तो आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न देखें तो हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जनरल स्टडी है, जिसे GS कहते हैं। आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे सभी के, तो आपके टोटल प्रश्न होंगे 100 और आपका 100 ही नंबर का पेपर है। तो आपका समय जो मिलता है आपको हल करने के लिए पेपर, 90 मिनट का समय मिलता है और आपका पेपर होगा 100 नंबर का और आपके टाइपिंग के होते हैं इसमें 50 नंबर, तो 150 नंबर हो गए। 150 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके 150 नंबर में से टॉप नंबर रहेंगे उनका सिलेक्शन स्टेनो में हो जाता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो आपका स्टेज वन में आपका एग्जाम होता है, स्टेज सेकंड में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, स्टेज थर्ड में आपका स्टेनो का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आपका इस प्रकार आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका कोई फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता, केवल फाइनल मेरिट लगती है और आप जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो ग्रुप डी में ड्राइविंग पोस्टिंग के लिए जो करना चाहेंगे अप्लाई, वो उनके पास LMB का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि आपका 3 साल का पुराना होना चाहिए और आपका एग्जाम पैटर्न वही रहता है जो ग्रुप डी में है। तो आप अपनी एज क्वालिफिकेशन और आपकी उम्र के अनुसार आप अपना पोस्ट देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा मौका है और आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये भर्ती हैं, आप अपने ही ज़िले में नौकरी करने का भी मौका है। और साथियों, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी प्रकार की वैकेंसियों के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और साथ ही साथ ये भी बताता रहूँगा किसकी कौन सी भर्ती की किस प्रकार तैयारी की जाए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।